मैं सचिन कतावी और आज आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ। और आज की वीडियो है यमा FZF R15 B3 BS6 बाइक के बारे में। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज का वीडियो यमा FZF R15 B3 BS6 बाइक के बारे में होने वाला है। और आपको भाई हर बाइक ना सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जो चीज़ हमारे बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेस करते हैं। आइए सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। STD एक्स शोरूम में इसका प्राइस है 1,45,900 रुपये का। RTO अमाउंट है 12,521 रुपये का और इंश्योरेंस अमाउंट है 10,328 रुपये का। अदर चार्जेस है इसमें 3,423 रुपये के। ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी 1,72,172 रुपये की। अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो EMI इसकी फ्लैक्चुएट हो सकती है अगर आप चाहो तो, लेकिन इसकी मिनिमम EMI है 4,278 रुपये की। अब बात करते हैं कलर्स की, तो कलर्स इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे तीन, ब्लू, ग्रे एंड नाइट डार्क, वो डार्क नाइट। बात करते हैं इंजन की, तो इंजन टाइप्स में लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 बल्ब SOHC इंजन है इसके अंदर। इंजन डिस्प्लेसमेंट 155 cc का है और पावर है 18.6 PS एंड 10,000 RPM की। टॉर्क की बात करते हैं 14.1 Nm एंड 8,500 RPM की है। एमिशन टाइप्स में BS6 है और बोर है 58 mm का और स्टॉक है 58.7 mm का। नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें, नंबर ऑफ सिलेंडर एक देखने को मिलेगा। ड्राइव टाइप्स में चेन ड्राइव है, बल्ब पर सिलेंडर 4 है। फ्यूल टाइप्स में पेट्रोल है और इग्निशन की बात करते हैं तो इग्निशन TCI है, जिसको हम ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड इग्निशन भी बोलते हैं। कंप्रेशन रेशो 11:6:1 है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन टाइम्स में मैनुअल है, नंबर ऑफ गियर 6 देखने के लिए मिलेंगे। ब्रेक्स इसके अंदर फ्रंट ब्रेक इसमें डिस्क है और रियर ब्रेक भी इसमें डिस्क है, दोनों ही डिस्क में दिए गए हैं। चेसिस है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फोर्क के साथ है और रेयर सस्पेंशन मोनोक्रॉस लिंक सस्पेंशन है इसके अंदर। टायर्स है, व्हील्स की बात करते हैं तो पहले हम टायर साइज की बात करते हैं। फ्रंट टायर 100/80-17 का है और रेयर टायर इसका 140/70-17 का है। व्हील साइज की बात करते हैं तो इसका व्हील साइज फ्रंट व्हील है इसका 431.8 mm का, रियर व्हील भी इसका 431.8 mm का है। टायर टाइप इसमें ट्यूबलेस है, रेडियल टायर इसके अंदर देखने के मिलेंगे। व्हील टाइप इसमें अलॉय होने वाला है। डायमेंशन की बात करते हैं, व्हील बेस इसका 1325 mm का है और लेंथ है 1990 mm की और ग्राउंडेड क्लियर से 170 mm का। हाइट इसमें 1135 mm की दी गई है और सीट हाइट 815 mm की है और वेट इसमें 725 mm की है और फ्यूल कैपेसिटी 11 लीटर की है, यानी 11 लीटर का इसके अंदर टैंक है। टेल लाइट इसमें LED देखने के लिए मिलेगी। फ्रंट ब्रेक डायमीटर 282 mm के और रेयर ब्रेक डायमीटर 220 mm का देखने के मिलेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो बैटरी टाइप में ETZ के साथ है और LED टेल लाइट इसके अंदर देखने को मिलेगी। टर्न सिग्नल लैंप इसके अंदर बल्ब में देखने के मिलेंगे। तो बाइक काफ़ी अच्छी है, आप चाहो तो इसको जाके ले सकते हो। वीडियो देख चुका, वीडियो काफ़ी अच्छा था, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है, आपके एक लाइक से आपके भाई को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में बताइए वीडियो कैसे लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप भाई आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता है और उसी टॉपिक का वीडियो बनाता है जिस टॉपिक पर आप बोलते हो। तो अगर अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।